इंडियन सिनेमा की मोहिनी। डक डक गर्ल और ऐसे ही बहुत से टाइटल से शोहरत पाने वाली अदाकारा माधुरी दीक्षित ने एक दहाई तक इंडियन सिनेमा और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। माधुरी का शुमार 90 की दहाई की टॉप एक्ट्रेसेस में होता था और माधुरी के किसी फिल्म में जलवागर होने को उस फिल्म की कामयाबी की सनद समझा जाता था। इसी शोहरत की वजह से माधुरी कई मर्तबा स्कैंडल्स और मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ अफेयर्स की वजह से अक्सर ही मीडिया की जिनत बनी रहती थी। आज के वीडियो में हम आपको माधुरी की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। नंबर वन, माधुरी 15 मई 1967 को मुंबई में पैदा हुई। आप जानकर हैरान होंगे कि एक एक्ट्रेस जिसने एक दहाई तक फिल्मी दुनिया पर राज किया, वो पहले एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री भी हासिल की और बाद में उन्होंने कथक डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और यहीं से आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी बात ये कि उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि माधुरी एक एक्ट्रेस बने। मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करते ही माधुरी के पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते थे और इसके लिए उनकी एक सिंगर के साथ बात भी चल रही थी, लेकिन उस सिंगर ने ही माधुरी के साथ शादी करने से मना कर दिया। नंबर टू, 17 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित पहली बार नजर आए फिल्म अबोध में। ये साल था 1984 का, लेकिन ये फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा पाई और ना ही माधुरी को शोहरत मिली। उसके बाद माधुरी को छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे और तकरीबन 9 फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर आया साल 1988 का, जिसने माधुरी को सुपरस्टार बना दिया। 1988 में माधुरी ने अनिल कपूर के साथ फिल्म तेजाब में काम किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने मोहिनी का किरदार निभाया था और फिल्म रिलीज होते ही हर तरफ मोहिनी मोहिनी होने लगा। खास तौर पर इस फिल्म में उनका गाना 1-2-3 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। नंबर थ्री, फिल्म तेजाब में माधुरी और अनिल कपूर एक दूसरे के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आए और उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इस कपल के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में भी बदल गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, हालांकि उस वक्त अनिल कपूर शादीशुदा थे। दोनों ने काफी अरसा एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जब माधुरी को ये एहसास हो गया कि उनकी अनिल के साथ शादी नहीं हो सकती क्योंकि अनिल कपूर अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहते थे, तो माधुरी ने इस रिश्ते से किनारा करना ही बेहतर समझा। ताहम उनके दरमियान अब भी अच्छी दोस्ती है और उन दोनों ने तकरीबन 20 फिल्मों में एक साथ काम किया। नंबर फोर, 1988 में ही माधुरी दीक्षित की एक और फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने भी माधुरी को सुर्खियों में रखा। इस फिल्म का नाम था दयावान, जिसमें वो खुद से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र से डबल अदाकार विनोद खन्ना के साथ किसिंग और एडल्ट सीन्स शूट करने थे। दरअसल विनोद खन्ना उस वक्त के सुपरस्टार थे और एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने को तरसती थीं, जबकि माधुरी अभी नई नई स्टार बनी थीं, इसलिए वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थीं, चाहे उन्हें एडल्ट सीन्स ही क्यों ना करने पड़ते। इस फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें विनोद खन्ना ने माधुरी को किस कर
करना था। जब शूटिंग शुरू हुई तो वो ये भूल गए कि ये फिल्म की शूटिंग है। वो रियल में पूरे इमोशंस के साथ माधुरी को किस कर रहे थे। यहाँ तक कि डायरेक्टर के बार बार कट कहने के बावजूद भी नहीं रुके। बात इतनी बड़ी कि उन्होंने किस करते करते माधुरी का होंठ ही काट दिया और होंठ से खून निकलने लगा। माधुरी इतना डर गई कि उन्होंने धक्का देकर विनोद खन्ना को पीछे किया और मेकअप रूम में जाकर कुंडी लगा ली। इस किस को उस वक्त के फिल्मी मैगजीन्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापा और हर अखबार में इसका तस्करा हुआ। खैर बाद में विनोद खन्ना ने माधुरी से माजरत भी की और तब जाकर फिल्म की शूटिंग दोबारा से शुरू हुई, वरना माधुरी ने इस फिल्म में काम करने से ही इनकार कर दिया था। इस किस का जिक्र आज भी फिल्मी हलकों और कई मैगजीन्स में होता है। नंबर 4, 1989 में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ की गई फिल्म राम लखन हो या मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्रेम प्रतिज्ञा या फिर बात की जाए सनी देओल के साथ फिल्म त्रिदेव की, इन सब फिल्मों में माधुरी के अलग अलग रूप नजर आए और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। नंबर 5, 1988 में ही माधुरी और संजय दत्त भी फिल्म खतरों के खिलाड़ी में एक साथ नजर आए। ये दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी। फिल्म के सेट पर दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई और ये केमिस्ट्री हमें ना सिर्फ पर्दे पर देखने को मिली बल्कि पर्दे के बाहर भी। इस जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि 6 सालों में दोनों ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया जिसमें खलनायक, साजन, थानेदार और इलाका जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म थानेदार तक पहुंचते पहुंचते दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। नंबर 6, माधुरी दीक्षित संजय दत्त को सिर्फ डेट ही नहीं कर रही थी बल्कि दोनों ने एक साथ भी रहना शुरू कर दिया था, जबकि उस वक्त संजय दत्त ऑलरेडी शादीशुदा थे। ये वो वक्त था जब संजय दत्त की पहली बीवी ऋचा शर्मा को कैंसर हो गया था और वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गई थी, जबकि संजय दत्त पीछे पूरी तरह से माधुरी के इश्क में पागल हो चुके थे। कहा जाता है कि अगर किसी दिन माधुरी शूटिंग पर ना आती या फिर उन्हें किसी सीन की शूटिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना होता तो संजय दत्त घंटों घंटों तक उनके साथ फोन पर बात करते और फोन का सारा बिल प्रोड्यूसर की जेब से जाता। संजय दत्त माधुरी के इश्क में इस कदर डूब चुके थे कि जब उनकी बीवी इलाज मुकम्मल होने के बाद अमेरिका से वापस आईं, तो संजय दत्त उन्हें एयरपोर्ट पर पिक करने भी नहीं गए, जिस पर उनकी बीवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त तक संजय दत्त उनसे मूव ऑन कर चुके थे। नंबर 7, माधुरी और संजय दत्त हर जगह एक साथ नजर आने लगे, चाहे किसी पार्टी में जाना हो या किसी शादी पर। हर किसी को लग रहा था कि जल्द ही दोनों शादी भी करेंगे। दोनों की जोड़ी को लोग इस कदर पसंद कर रहे थे कि 1993 में सुभाष गए ने दोनों को एक साथ फिल्म खलनायक में कास्ट कर लिया। उस वक्त तक दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हो चुके थे और उनके ये ताल्लुकात इस कदर बढ़ चुके थे कि फिल्म के डायरेक्टर को लगने लगा कि माधुरी कहीं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसलिए सुभाष गए ने माधुरी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें लिखा था कि जब तक फिल्म की शूटिंग मुकम्मल ना हो जाए वो हामिला नहीं होंगी, वरना फिल्म का सारा खर्चा उन्हें अदा करना पड़ेगा। नंबर 8, इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होती इस जोड़ी को नजर लग चुकी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजय दत्त को टाडा केस में गिरफ्तार कर लिया गया, यानी AK-47 रखने के जुर्म में संजय दत्त को जेल में डाल दिया गया। उसके साथ ही साथ मुंबई हमलों में भी संजय दत्त का नाम आ रहा था और संजय दत्त के ऊपर एक टेररिस्ट का धब्बा लग गया। माधुरी अब इस टैग के साथ संजय दत्त का साथ नहीं देना चाहती थी और वो संजय दत्त की नशा करने की आदत से भी तंग आ चुकी थी। उनके वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि माधुरी संजय दत्त के साथ शादी करे। संजय दत्त जब जेल गए तो माधुरी
एक मर्तबा भी उन्हें मिलने के लिए जेल में नहीं गईं। हालांकि जेल के अंदर से संजय दत्त ने माधुरी से राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन माधुरी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। माधुरी क्योंकि संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए पुलिस उनसे भी पूछगिछ कर रही थी और उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि उनका संजय दत्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बस उनके कोलीग हैं। संजय दत्त को कुछ ही दिन के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया ताकि वो फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल कर सके। संजय और माधुरी ने खलनायक का बकिया हिस्सा मुकम्मल किया और अपनी अपनी राह ली। नंबर 9, संजय दत्त से ब्रेकअप करने के बाद माधुरी दीक्षित ने एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा को डेट करना शुरू किया। अजय एक अच्छे क्रिकेटर तो थे ही, उसके साथ ही साथ उनका ताल्लुक गुजरात की एक रॉयल फैमिली से भी था। माधुरी को सेटल होने का इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता था और अजय जडेजा भी पूरी तरह माधुरी के इश्क में गोता लगा चुके थे और इसका असर उनके खेल में भी नजर आ रहा था। वो खेल पर कम और माधुरी पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, जिसकी वजह से उन पर खूब तनकीद होने लगी। अजय की फैमिली ने भी माधुरी से दूर रहने का कहा। उसके साथ ही साथ अजय का अजहर अली के साथ मिलकर मैच फिक्स करने का स्कैंडल सामने आ गया, जिसने अजय जडेजा का करियर पूरी तरह से तबाह कर दिया और माधुरी ने भी ऐसे आदमी से किनारा करना ही बेहतर समझा। इन तमाम रिश्तों से तंग आ चुकी माधुरी अब एक वफादार आदमी की तलाश में थी, जिसके साथ वो घर बसा सके, और वो लाइफ पार्टनर उन्हें नजर आया डॉक्टर श्रीराम माधव नैने के रूप में। माधुरी ने बगैर किसी डिले के डॉक्टर नैने से शादी की और सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चली गईं, ताकि वो अपना सारा वक्त अपने शोहर के साथ गुजारें। 1999 में दोनों ने शादी की और 2003 उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जो कि इस वक्त 17 साल का है। माधुरी के अब 2 बेटे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश हैं। नंबर 10, 2018 में राजकुमार हिरानी ने जब संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्म संजू बनाने का फैसला किया, तो इस बात ने माधुरी को काफी परेशान कर दिया। वजह ये थी कि इस फिल्म में संजय दत्त की पूरी लाइफ को डिस्कस करना था और इसी लाइफ का हिस्सा माधुरी भी रह चुकी थी। माधुरी जो अब इस सब को भूलकर अपना घर बसा चुकी हैं, वो नहीं चाहती थी कि उनके माजी को फिर से खोलकर पब्लिक के सामने रख दिया जाए। इसलिए माधुरी ने सलमान खान से रब्ता किया कि वो अपने दोस्त संजय दत्त को समझाएं कि इस फिल्म में उनके माधुरी के साथ अफेयर को ना दिखाया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। माधुरी की रिक्वेस्ट पर इस लव स्टोरी को नहीं दिखाया गया। नंबर 11, माधुरी दीक्षित रणबीर कपूर का पहला क्रश थी और रणबीर कपूर बचपन से ही माधुरी के फैन हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि रणबीर कपूर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में जब घाघरा गाने के लिए माधुरी को कास्ट किया गया, तो रणबीर कपूर ने डायरेक्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो गाने में एक किसिंग सीन जरूर डालें, ताकि वो माधुरी को किस कर सकें। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर ने इस चीज के लिए डायरेक्टर को पैसे भी दिए थे और फिर वो इस गाने में माधुरी के गाल पर किस करते हैं। नंबर 12, फिल्म खलनायक के हिट होने के बाद माधुरी इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गईं। यही वजह है कि 1994 में बनी फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी को सलमान खान से भी ज्यादा पैसे मिले थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने 2,70,00,000 रुपए लिए थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी, और सलमान खान को भी इससे कम ही पैसे दिए गए थे। नंबर 13, शादी के बाद माधुरी ने 2002 में दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, जब वो हमें फिल्म देवदास में नजर आईं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म के गाने काहे छेड़े मोहे में माधुरी ने 30 किलो वजनी ड्रेस पहना था, जो कि स्पेशल डिजाइन किया गया था। नंबर 14, अब माधुरी दीक्षित वेलफेयर के कामों में बहुत आगे रहती हैं। माधुरी अब बच्चों की एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी और एड्स से मुतालिक आगाही पर बहुत काम
काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में माधुरी ने 50 लाख रुपए जीते, जो कि उन्होंने उसी वक्त गुजरात के गरीब लोगों और एक यतीम खाने को डोनेट कर दिए। नंबर 14, 2019 में माधुरी दीक्षित 21 साल के बाद एक बार फिर संजय दत्त के साथ फिल्म कलंक में नजर आईं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान माधुरी ने जब संजय दत्त को सर कहा तो वो हैरान रह गए और इस पर उनके को एक्टर्स ने मजाक भी किया। एंड ऑफ कोर्स संजय सर, मुझे ये माधुरी बोला, बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स, मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी। Respect. तो नास्रीन अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहें।